नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 के बिसात में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारतीय राजनीति में सबसे अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहाने पर खड़ा है। विधानसभा चुनाव में किस दल के पक्ष में समीकरण बनेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन सभी पार्टियां यहां अपनी अपनी जीत का लोहा मनवाने के लिए तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, तो सपा सत्ता में वापस आने के लिए बेताब है। वही बात की जाए बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा अपने मूल मतदाताओं के साथ चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही है और प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने भी यूपी की सियासत का आगाज कर दिया है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट लेगी, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी और फिरोज शाह तुगलक के शहर जौनपुर के सियासी इतिहास पर इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए इतिहास, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक का शहर। इसका इतिहास करीब 8 शताब्दी पुराना है। 359 में बसाए गए इस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें हैं जहाँ पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कई मकबरे, म्यूजियम और पवित्र स्थल हैं, जहाँ पूरे भारत से हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। जौनपुर शहर गोमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। यहाँ का शाही किला और अटाला मस्जिद आज भी यहाँ की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत में जौनपुर अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आज भी इत्र का व्यवसाय यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। राजनीतिक समीकरण। ऋषि यमदग्नि की तपोभूमि रहे जौनपुर की अपनी राजनीतिक खासियत है। यहां के मतदाताओं ने कभी किसी पार्टी को इस बात का घमंड नहीं होने दिया कि वही जीतेंगे। यहां हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों के सिर ताज सजा। कई राजनीतिक दल सत्ता में दोबारा जरूर आए, लेकिन लगातार नहीं। समस्याएं। जौनपुर शहर पहुंचते ही विकास की स्थिति का अंदाजा लग जाता है। अस्त व्यस्त ट्रैफिक, घंटों तक जाम की स्थिति और शहर को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़कें विकास की तस्वीर बयां करती हैं। उत्कृष्ट शैक्षणिक गतिविधियों और विद्वानों की भरमार, उनके राजकीय सम्मान के चलते यहाँ की चर्चा दूसरे देशों में भी होती थी। कभी दिल्ली की सल्तनत को टक्कर देने वाले जौनपुर में फिलहाल शिक्षा और विद्वता की बजाय जात पात का जोर है। चुनावी राजनीति में मुद्दे गौण है। जिले में हर सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति हो रही है। हर पार्टी इसी गणित के सहारे चुनावी नैया पार कराने की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। 2022 चुनाव के लिए यूपी तैयार हो रहा है। राजनीतिक दलों के साथ सरकारी तंत्र भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ। सभी पार्टियां चुनावी रैलियां करते हुए जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई। जौनपुर जिले में भी बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस जिले में 9 सीटें बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा, बादशाहपुर, मछली शहर, मड़ियाहू और जफराबाद शामिल है। कल हमने बात की जौनपुर जिले की 4 सीटों के बारे में। आज हम बात करेंगे जिले की बाकी की बची 5 सीटों के राजनीतिक समीकरणों के बारे में, जिनमें मुंगरा, बादशाहपुर, मछली शहर, मड़ियाहू, जफराबाद और केरावत सीट शामिल है। आज की चर्चा इन्हीं पर। सबसे पहले बात करेंगे मुंगरा बादशाहपुर सीट की। यहाँ इस सीट पर बसपा को जीत मिली थी। यहाँ बसपा की सुषमा पटेल ने जीत हासिल की थी। वहीं इस सीट पर बीजेपी की सीमा द्विवेदी को करना पड़ा था हार का सामना। सीमा द्विवेदी को यहाँ 5,920 वोटों के अंतर से हार देखनी पड़ी थी। वहीं 2012 में इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला और बीजेपी की सीमा द्विवेदी ने यहां से जीत हासिल की। वहीं बसपा के रमेश को यहां 6,061 वोटों के अंतर से करना पड़ा था हार का सामना। और आइए अब एक नजर इस सीट के इतिहास पर डाल लेते हैं।
मुंगरा श्वाचापुर विधानसभा सीट जिसे पहले गढ़वारा विधानसभा के नाम से जाना जाता था, 2012 के परिसीमन के बाद गढ़वारा विधानसभा को मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा का नाम दे दिया गया। इस सीट पर साल 1996, 2002, 2012 में बीजेपी से सीमा द्विवेदी विधायक रही, जबकि 2017 में बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी। 2012 में सीमा द्विवेदी 50,065 वोट पाकर जीत हासिल कर सकी और बसपा के रमेश को यहां चुनाव में हरा दिया। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मोदी लहर थी, बीजेपी की लहर थी, लेकिन बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था और बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की। 2017 में बहुजन समाज पार्टी की सुषमा पटेल ने 69,557 वोट पाकर इस सीट को अपने नाम किया, यहां कब्जा जमाया। इस सीट में सीमा द्विवेदी 63,637 वोट पाकर सेकंड पोजीशन पर रही। बात अगर इस सीट पर कुल मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल 3,34,767 मतदाता हैं, जिनमें 1,80,781 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,53,981 महिला मतदाता शामिल है। तो मिंगरा बादशाहपुर सीट का सियासी समीकरण कुछ इस तरह का आपके सामने। 3,34,767 कुल मतदाता यहाँ की जान है, जो आधार जिनके आधार पर तय होती है यहाँ किस पार्टी को मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार। इस सीट पर 1,53,981 आधी आबादी यानी कि महिला मतदाता भी है। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सीमा द्विवेदी यहाँ पर विधायक रही। इसके बाद तमाम साल आते गए, विधानसभा चुनाव होते गए, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी दल के साथ जनता ने आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सबको मौका दिया। लेकिन 2017 में यहाँ पर जहाँ पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, यहाँ बीजेपी का परचम नहीं लहराया, यहाँ जीत हुई बसपा प्रत्याशी की। और बात करते हैं मछली शहर विधानसभा सीट की। साल 2017 में मछली शहर सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी और सपा के जगदीश सोनकर ने इस सीट को सपा की झोली में डाल दिया। वहीं इस सीट पर बीजेपी की अनीता रावत खड़ी हुई थी, जिन्हें यहां 4,169 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। 2012 में इस सीट पर सपा का कब्जा रहा, सपा के जगदीश सोनकर ने इस सीट को अपने नाम किया। वहीं बसपा के रामफेर गौतम को 24,425 वोटों के अंतर से हार मिली। मछली शहर विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में जीत हार के आंकड़े को देखें तो इस सीट पर कांग्रेस 6 बार जीत चुकी है। यहां जनता दल, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी तक को जीत मिली है, उन पर भी यहाँ लोगों ने विश्वास जताया है। तो वही बात अगर करें बीजेपी की तो इस सीट पर 1957 से लेकर 2017 तक एक बार भी बीजेपी जीत नहीं पाई। 1979 से पहले इस सीट पर कांग्रेस के विधायक रहे। 1979 में ज्वाला प्रसाद यादव जनता दल से विधायक बने। इसके बाद साल आया 1991 का, जब ज्वाला प्रसाद यादव एक बार फिर से जीते। 1993 के चुनाव में ज्वाला यादव ने यहाँ जीत की हैट्रिक लगाई और साल 1996 में ज्वाला प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामकर यहां से विधायक बनकर वो सीधे पहुंचे विधानसभा, लोगों का भरपूर प्यार मिला। 2002 में फिर इस सीट पर बसपा के विनोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की। 2007 में बसपा के ही सुभाष पांडे यहां पर जीते। बात अगर उसके बाद की यानी कि 2012 के चुनावी नतीजों की करें तो 2012 में जगदीश सोनकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी से जगदीश सोनकर फिर से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में जगदीश सोनकर को 72,368 वोट मिले, जबकि बीजेपी की अनीता रावत को 68,179 वोट पाकर दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें तो इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, पटेल सहित पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की मिली जुली आबादी रहती है। इस सीट पर कुल 3,57,038 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,92,922 की है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 1,64,109।
तो मछली शहर का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण है आपके सामने। इस सीट पर ब्राह्मण, यादव, ठाकुर मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी मानी जाती है। उस हिसाब से यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी भी तय करते हैं। 2017 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी, अब 2022 में जनता किसके साथ जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। इस पर टिकी है सभी की निगाहें। और आइए बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की, मड़ियाहू सीट की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अपना दल सोनेलाल ने कब्जा जमाया था। यहां पर अपना दल सोनेलाल की लीना तिवारी ने सपा की श्रद्धा यादव को 11,350 वोटों से शिकस्त दी। इसके पहले 2012 में श्रद्धा यादव ने बसपा की सावित्री पटेल को मात दी थी। तब सपा कैंडिडेट को 55,745 और बसपा उम्मीदवार को 43,268 वोट हासिल हुए थे। और आइए बात करते हैं कि 2012 में इस सीट पर क्या हुआ था। 2012 में इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। श्रद्धा यादव ने इस सीट को सपा की झोली में डाला। बसपा की सावित्री पटेल को यहां करना पड़ा हार का सामना। श्रद्धा यादव ने सावित्री पटेल को 12,477 वोटों के बड़े अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की, जबकि बहुजन समाज पार्टी के भोलानाथ शुक्ला तीसरे स्थान से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। और आइए अब मड़ियाहू विधानसभा सीट के इतिहास पर डाल लेते हैं एक नजर। इस सीट पर सभी दलों को मौका मिला है। इस सीट के सियासी समीकरणों की बात करें तो यहां सपा, बसपा और बीजेपी तीनों को ही जीत हासिल करने का मौका मिलता रहा है। 1979 में जनता दल के इंदल सिंह चौहान ने जीत यहां दर्ज की, तो 1991 में नरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की लहर में एक बार फिर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का परचम लहराने में कामयाब रही। 1993 में फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह को ही इस सीट पर लोगों ने मौका दिया। 1996 का फिर साल आया जहां मानिक चंद यादव समाजवादी के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरे और जीते भी, सीधे विधानसभा पहुंचे। फिर साल आया 2002 का जब अशोक सिंह चौहान बीजेपी से चुनाव जीते। 2007 में एक बार फिर से बीजेपी को ही मौका यहां जनता ने दिया। बीजेपी से अशोक सिंह चौहान ने फिर से जीत हासिल की 2007 के मुकर्रे बाद। फिर साल आया 2012 का जब राजकुमार यादव ने समाजवादी पार्टी से यहां पर जीत हासिल की, यानी कि सपा की साइकिल यहां 2012 में दौड़ी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस, यानी कि अपना दल सोनेलाल और बीजेपी गठबंधन से लीना तिवारी को यहां पर खड़ा किया गया था। उन्होंने यहां इस सीट पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की श्रद्धा यादव दूसरे स्थान पर रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी के भोलानाथ शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर कुल 3,35,056 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,64,371 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,180 है। तो मड़ियाहू का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण। 1979 से लेकर अब तक तमाम दलों को यहां पर, खासतौर पर सपा, बसपा और बीजेपी को यहां की जनता मौका देती रही। कोई यह नहीं कह सकता कि हमें मौका मिला नहीं, तो हम साबित कैसे करते, हम काम कैसे करते, जनता के लिए काम कैसे करके दिखाते। ऐसे में जब भी दल यहाँ लोगों के दरवाजे खटखटाएगा वोट मांगने के लिए, उन सब का पूरा बही खाता यहाँ के लोगों के जहन में ऑलरेडी होगा। 2002 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम लहराया। 2007 में फिर से बीजेपी की ही यहाँ पर जीत हुई। अशोक सिंह चौहान, जिन्होंने दूसरी बार लगातार बैक टू बैक 2002 के बाद 2007 में भी जीत हासिल की। 2012 में फिर यहाँ पर साइकिल दौड़ी, राजकुमार यादव पर यहाँ पर लोगों ने भरोसा जताया। और फिर 2017 में अपना दल एस, जिनका बीजेपी के साथ गठबंधन था, लीना तिवारी यहां पर चुनाव जीती। बात करेंगे जफराबाद विधानसभा सीट की। सीट पर 2017 में मोदी लहर का असर देखने को मिला और डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने यह सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। वहीं सपा के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी को इस सीट से 11,350 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। के चुनाव की बात करें तो 2012 में इस सीट पर सपा ने अपना परचम लहराया। सपा के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी यहां से विधायक चुने गए।
वहीं बसपा के उम्मीदवार जगदीश नारायण को यहां दूसरा स्थान मिला। सचिंद्र नाथ त्रिपाठी ने जगदीश नारायण को 5,417 वोटों से हरा दिया था। और बात जफराबाद विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में, इस सीट पर 2017 के चुनाव में 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। इसके पहले साल 1991 में बीजेपी के उमानाथ यहां पर जीते थे, विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। साल 1993 में फिर सपा बसपा गठबंधन से उम्मीदवार श्री राम यादव ने यहां पर परचम लहराया। फिर साल आया 1996 का, 2002 का, 2007 का, जब लगातार बहुजन समाज पार्टी के जगदीश नारायण ने इस सीट पर कब्जा जमाए रखा, यानी कि बैक टू बैक हैट्रिक लगाते हुए 2002 में, 2007 में और 1996 में यहां इस सीट पर बसपा का ही कब्जा रहा। बात करते हैं अगले विधानसभा चुनाव की, 2012 की, जब ये सीट समाजवादी पार्टी के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी ने बसपा से छीन ली और इस सीट पर सपा कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के जगदीश नारायण रहे 2017 में, लेकिन ये सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गिरी और बीजेपी के डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने 85,979 वोट पाकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी 61,124 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बात अगर इस सीट पर मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल 355,321 मतदाता हैं, जिनमें 162,986 महिला मतदाता हैं। वहीं 192,325 पुरुष मतदाताओं की संख्या है। तो जफराबाद का सियासी समीकरण ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने, तमाम वोटर्स पर इस समय तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें लगातार गिद्ध की तरह बनी हुई है। हर कोई जनता को अपने अपने पाले में करने के लिए, अपने समर्थन में करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 1996, 2002, 2007 में लगातार तीन बार हैट्रिक लगाते हुए बसपा को यहां पर चुनावी जीत हासिल हुई। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी का यहां पर डंका बजा। लेकिन अब 2022 में जनता किसके साथ जाना चाहेगी, आने वाला वक्त बताएगा। 2017 के चुनाव में इस सीट पर मोदी मैजिक देखने को मिला और दिनेश चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हम बात कर रहे हैं केराकत विधानसभा सीट की। वहीं यहां सपा के संजय कुमार सरोज को 15,259 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। 2012 में इस सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी सपा के गुलाब चंद को यहां से जीत हासिल हुई। वहीं बसपा उम्मीदवार विजय लक्ष्मी को यहां 10,186 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। केराकत विधानसभा सीट के अब इतिहास पर डालते हैं एक नजर। इस सीट पर बीजेपी और सपा सहित बसपा कांग्रेस सभी आमने सामने हैं। अब तक हुए चुनावों के परिणाम को देखें तो सभी दलों को यहां की जनता ने मौका दिया है। 1979 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के राजपति इस सीट पर विधायक बने। 1991 में बीजेपी के सुमरू राम विधानसभा पहुंचे। 1993 में फिर बसपा के जगन्नाथ चौधरी ने इस सीट पर बाजी मारी और साल 1996 में एक बार फिर बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब रही और अशोक कुमार यहाँ पर विधायक बन गए। 2002 का फिर साल आया जब बीजेपी के सुमरू राम सरोज विधायक बनकर सीधे विधानसभा पहुंचे। 2007 में फिर इस सीट से बसपा के बिरजू राम ने अपनी जगह बनाई। फिर साल आया 2012 का जब 2012 के चुनाव में गुलाब चंद समाजवादी पार्टी के टिकट पर खड़े हुए और इस टिकट पर सपा की तरफ से 67,470 वोट पाकर विधायक चुन लिए गए, जबकि बसपा की विजय लक्ष्मी इस सीट पर 57,284 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिनेश चौधरी को 84,078 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के संजय कुमार सरोज 68,019 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर पिछड़ी जातियों का मत बेहद निर्णायक होता है। अगर इस सीट पर मतदाताओं की बात करें, उन पर नजर डालें तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 405,834, जिनमें पुरुष मतदाता है 214,960 और महिला मतदाता है 1,90,861।
तो केराकत विधानसभा सीट का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण रहा है। 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया गुलाब चंद, यहां पर सपा के टिकट पर विधायक बनकर सीधे विधानसभा पहुंचे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश चौधरी पर लोगों ने विश्वास जताया। अब 2022 में सपा जीतेगी, बीजेपी जीतेगी कि बसपा एक बार फिर से वापसी करने में कामयाब हो पाएगी, ये जनता का मूड बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।